कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे जेड एक ब्रांड है उसके प्रोडक्ट्स के बारे में। ये भी काफ़ी रीजनेबल ब्रांड है और काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने ये यूज़ भी किया हो और कुछ लोगों को ये पसंद आया हो, कुछ को नहीं आया हो। तो जी, मैंने इनकी एक डील बाय की थी, उसमें एक ये स्किन ग्लो क्रीम थी और तीन ये बॉडी लोशंस थे और एक जो है वो फेस वॉश था। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी स्किन ग्लो क्रीम के बारे में। ये बेसिकली ब्राइटनिंग क्रीम है। ये जो है वो विटामिन B3, C और E के साथ है। लेकिन जी, अच्छा इसमें लिखा है 0% मर्करी है। ये बेसिकली फेयरनेस एक क्रीम है इनकी। इसका टेक्सचर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कैसा है। तो जी, टेक्सचर इसका कुछ इस तरह का है, ये ऐसी है। ये मैंने इसको यूज किया एक दो दफा लेकिन ये मुझे पसंद नहीं आई बिल्कुल भी। ये इस तरह से जो है वो वाइट कास्ट स्किन पे छोड़ देती है, आप इसे कितना भी अब्जॉर्ब कर लें। और टेक्सचर इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो काफी ज्यादा है, तो मुझे थोड़ी सी इरिटेशन फील होने लगी अपने स्किन के ऊपर। तो पर्सनली मुझे जो है वो ये क्रीम इनकी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। अगर आप में से किसी ने इसको यूज़ किया हो और जो है वो आपको इस इफ़ेक्टिव लगी हो तो काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट मेरी तरफ से सिंपली नो है इसके लिए, मुझे ये इनकी क्रीम बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनके फेस वॉश की। तो मैंने जो है वो टी ट्री ऑयल वाला फेस वॉश इनका मंगवाया था। ये एक्सफोलिएटिंग है, एंटी एक्नी है और 1% सैलिसिलिक एसिड के साथ है। बेसिकली सैलिसिलिक एसिड आपके जो है वो एक्नी के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मैंने इसीलिए जो है वो उसको परचेज किया था। और काफी अच्छा इनका ये फेस वॉश है, लेकिन सिर्फ इसका एक प्रॉब्लम ये है कि मेरी स्किन को जो है वो ये काफी ड्राई कर देता है, जबकि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि डीप क्लिंजिंग एंड हाइड्रेटिंग विदाउट ओवर ड्राइंग। लेकिन या तो मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, तो मेरी स्किन के हिसाब से जो है ये इसको थोड़ा सा ड्राई कर देता है स्किन को। अदरवाइज अच्छा फेस वॉश है, जिनके हल्की फुल्की एक्नी होती है तो वो इसको अपने रेगुलर रूटीन में यूज कर सकते हैं एक्नी को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अगर आपको सीवियर एक्नी होती है तो वो फिर मेडिकली ट्रीटेड होती है, वो जो है किसी फेस वॉश या किसी और क्रीम वगैरह से ट्रीट नहीं होती है। तो इट्स अ गुड फेस वॉश इन रीजनेबल प्राइस। डेली रूटीन में यूज करने के लिए ये बहुत अच्छा है। इसके और भी वेरिएंट्स हैं, आप जो है वो अपने स्किन टाइप के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इनके प्रोडक्ट की ये है कि आई थिंक 1500 की परचेस के बाद इनकी डिलीवरी फ्री है। तो अमूमन 1500 की परचेस तो इंसान कर ही लेता है। इनके प्रोडक्ट बहुत बहुत ज्यादा रीजनेबल है, आप इनकी वेबसाइट पे जाके इनके और प्रोडक्ट्स भी चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके साथ जी ये तीन बॉडी लोशंस हैं, ये डिफरेंट साइजेस में हैं। अच्छा, एक ये है कोको बटर, एक ये है विटामिन ई एंड पपाया और एक ये है शिया बटर। सबसे ज्यादा जो मुझे पसंद आया है इनका बॉडी लोशन वो ये वाला है। ऐसे देखने में आपको इसकी बॉटल बहुत छोटी लगेगी, 60 ml की बॉटल है, लेकिन ये क्योंकि तीन थे बॉडी लोशंस इस डील में तो काफी ज्यादा चल रहे हैं। मेरे 2-3 महीने तो हो गए मुझे इनको इस्तेमाल करते हुए। अच्छी इनकी जो है वो फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मेरी स्किन क्योंकि कुछ ज्यादा ड्राई है तो सबसे ज्यादा जो सूटेबल मुझे लगा है वो ये वाला लोशन है इनका। उसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ज्यादा अच्छी है। बाकी दोनों लोशन भी इनके बहुत अच्छे हैं। मैं एक का आपको जो है वो टेक्स्चर दिखा देती हूँ कि कैसा है। ये देखें इस तरह का जी ये इसका टेक्स्चर है। आराम से ये आपके स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है और बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है ये। इनकी सबसे अच्छी बात ये कि ये बिल्कुल भी लोशंस जो हैं वो ग्रीसी नहीं है। तो कुछ लोग होते हैं जिन्हें वो ग्रीसी लोशंस नहीं चाहिए होते हैं, रेगुलर रूटीन में ऐसे लोशंस जो है उन लोगों को चाहिए होते हैं।
जो इजीली हाथों में अब्जॉर्ब हो जाए और जो है वो एक चिपचिपापन उनमें ना रहे, उसके हिसाब से ये लोशंस बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और अच्छी बात ये कि इजी टू कैरी हैं, आप इजीली जो है वो इस बॉटल को अपने बैग में कैरी कर सकते हैं। तो जो लोग वर्किंग वुमेन्स होती हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि वो छोटी सी बॉटल है उन्हें वो इजीली अपने बैग में डाल सकती हैं। और सबसे अच्छी बात है रीजनेबल प्रोडक्ट्स हैं, प्राइस रेंज इनकी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो अगर आप में से किसी ने ये यूज किए हों, इनके प्रोडक्ट यूज किए हों, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएगा कि उन्हें कैसे लगे हैं। सिर्फ इनकी ये स्किन ग्लो क्रीम को छोड़ के बाकी के प्रोडक्ट्स मुझे इनके बहुत अच्छे लगे हैं। तो जी ये था मेरा रिव्यू मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि मुझे ये प्रोडक्ट कैसे लगे हैं। अब जी अगर आप में से किसी ने यूज किए हो ये प्रोडक्ट तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि उन्हें कैसे लगे हैं, या इस ब्रांड का कोई और प्रोडक्ट जिसका आप लोग जो है वो रिव्यू चाहें तो उसका भी आप लोगों के लिए रिव्यू मैं जरूर लेकर आऊंगी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी और ब्रांड के प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़।